महाराष्ट्र में करीब दो हफ्ते से जारी सियासी ड्रामा, उद्धव ठाकरे को सत्ता से पैदल करने वाले बागी एकनाथ शिंदे की ताजपोशी के साथ ही खत्म हो गया। लेकिन एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री पद की शपथ और बीजेपी की रणनीति ने सभी को चौंका दिया। पिछले 10 दिन से महाराष्ट्र में जारी इस सियासी घमासान के पीछे जिस बीजेपी नेता का हाथ बताया जा रहा था वो कोई और नहीं बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ही थे। शिंदे की ताजपोशी से एक दिन पहले तक ज्यादातर राजनीतिक विश्लेषक ये मानकर बैठे थे कि अगर राज्य में शिवसेना के बागी शिंदे गुट के समर्थन से सरकार बनती है तो बीजेपी की ओर से देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री और एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम बनेंगे। लेकिन गुरुवार को शपथ ग्रहण के कुछ देर पहले ही फडणवीस ने प्रेस वार्ता कर सभी को चौंका दिया। फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के सीएम बनेंगे और भाजपा उन्हें समर्थन देगी। शिंदे को समर्थन देने की बात कहने वाले फडणवीस शाम होते होते खुद डिप्टी सीएम बन गए। इस दौरान ये खबरें भी आई कि मुख्यमंत्री न बनाए जाने से देवेंद्र फडणवीस नाराज है। वहीं अमित शाह और जेपी नड्डा समेत बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने इसे देवेंद्र फडणवीस का त्याग और समर्पण बताया। सूत्रों की माने तो एकनाथ शिंदे को सीएम बनाने का फैसला दो दिन पहले लिया जा चुका था। ये फैसला तब लिया गया जब फडणवीस को शीर्ष नेतृत्व ने मिलने के लिए दिल्ली बुलाया था। आइए आपको बताते हैं कि आखिर बीजेपी आलाकमान ने देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी सीएम के लिए कैसे राजी किया। सूत्रों की माने तो दो दिन पहले जब देवेंद्र फडणवीस अमित शाह और जेपी नड्डा से मिलने दिल्ली आए थे तभी उन्हें ये बता दिया गया था, लेकिन उस वक्त वो कुछ बोल नहीं पाए थे। सूत्रों की माने तो महाराष्ट्र प्रभारी सीटी रवि ने भी केंद्रीय नेतृत्व के फैसले का हवाला देते हुए शपथ से पहले बहुत समझाया था। यही नहीं, फडणवीस से दिल्ली से एक बड़े नेता ने फोन पर बात भी की थी जब वो अपनी जिद पर अड़े रहे तो मजबूरन बीजेपी अध्यक्ष को सामने आना पड़ा। देवेंद्र फडणवीस के शिंदे सरकार में शामिल होने की जानकारी भी सबसे पहले जेपी नड्डा ने ही ट्वीट करके दी थी। उन्होंने पहले कहा था कि वो चाहते हैं कि फडणवीस सरकार में शामिल हो, डिप्टी सीएम का पद संभाले। लेकिन कुछ ही देर में जेपी नड्डा ने एक और ट्वीट किया। उन्होंने बताया कि देवेंद्र फडणवीस सरकार में शामिल होने जा रहे हैं, वो डिप्टी सीएम बनने के लिए राजी हो गए हैं। जेपी नड्डा के अनुरोध के बाद अमित शाह का ट्वीट भी सामने आया। अमित शाह ने ट्वीट करते हुए कहा, भाजपा अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी के कहने पर श्री देवेंद्र फडणवीस जी ने बड़ा मन दिखाते हुए महाराष्ट्र राज्य और जनता के हित में सरकार में शामिल होने का निर्णय लिया है। ये निर्णय महाराष्ट्र के प्रति उनकी सच्ची निष्ठा व सेवा भाव का परिचायक है। इसके लिए मैं उन्हें हृदय से बधाई देता हूँ। आपको बता दें कि 22 साल की उम्र में पार्षद बने फडणवीस 27 वर्ष की आयु में मेयर बन गए थे। उन्होंने साल 1999 में पहली बार विधायक का चुनाव जीता। दिवंगत MLC गंगाधर राव के बेटे विदर्भ से आने वाले राज्य के चौथे सीएम हैं। फडणवीस को एक अनुभवी जनप्रतिनिधि माना जाता है।